एशिया कप के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया है। बहुत से बड़े बड़े नाम इस कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं। कौन से हैं वो नाम, वो आप इस वीडियो में बताएंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान की न्यू किट के ऊपर, एक बड़ी अपडेट आई है। कौन सी होने जा रही है पाकिस्तान की किट और कब पाकिस्तान अपनी न्यू किट पहनेगा, ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया को एक बिग ब्लो हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े नाम इंजर्ड हो चुके हैं और उनकी वर्ल्ड कप में शमूलियत क्या खतरे में है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एशिया कप के कमेंट्री पैनल के ऊपर। बहुत से बड़े बड़े नाम एशिया कप के लिए सिलेक्ट किए गए हैं जो कमेंट्री करेंगे, कुछ इंडिया से, कुछ पाकिस्तान से और उसके साथ साथ श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह से भी। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की जानिब से गौतम गंभीर को इस कमेंट्री पैनल में रखा गया है। रवि शास्त्री हैं, संजय मंजरेकर, अरफान पठान और दीप दास गुप्ता, ये पांच नाम इंडिया की जानिब से हमें कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान से वसीम अकरम, वकार यूनस, बाजिद खान और रमीज राजा, ये चार नाम, ये चार बड़े नाम पाकिस्तान के लिए कमेंट्री करेंगे। और उसके साथ साथ श्रीलंका से रसर आर्नल्ड और बांग्लादेश से अतर अली खान, ये कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं। और न्यूजीलैंड से स्कॉट स्टारिस को भी इस कमेंट्री पैनल का हिस्सा बनाया गया है। तो ये 12 नाम हैं जो इस साल हमें कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एसीसी ने नाम अनाउंस किए हैं। जो स्टार स्पोर्ट्स है, जो स्टार स्पोर्ट्स का चैनल है, उसने अपनी टीम अनाउंस की है। वो अपने अलग से कमेंट्री पैनल सामने लेकर आए हैं। उनमें ये नाम तो है लेकिन उनके साथ साथ और भी कुछ बड़े बड़े नाम हैं। जैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान से आमिर सुहेल भी उस टीम का हिस्सा है। उसके साथ साथ अगर मैं और नाम देखूं तो एंडी फ्लावर हमें नजर आते हैं, डोमिनिक कोक नजर आते हैं और इंडिया के बहुत से और नाम जिनमें हरभजन सिंह हैं और गौतम गंभीर हैं, और भी बड़े बड़े नाम हैं जो मजीद हमें इस कमेंट्री पैनल का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे जो स्टार स्पोर्ट्स ने अनाउंस की है। तो ये कमेंट्री पैनल है जो अभी अनाउंस किया गया है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की न्यू किट के ऊपर, पाकिस्तान की न्यू किट के ऊपर एक बड़ी अपडेट आई है। अब ये चीज क्लियर कर दी गई है पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान ने जो नई किट पहननी है वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पहनेगा। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में हमें एक नई किट देखने को मिलेगी। उससे पहले पाकिस्तान ने जो एशिया कप खेलना है या उसके साथ साथ अफगानिस्तान सीरीज खेलनी है, उसमें पाकिस्तान अपनी ओल्ड किट ही पहनेगा। पाकिस्तान अपनी पुरानी किट के साथ ही जाएगा, लेकिन पाकिस्तान जो नई किट पहनेगा वो वर्ल्ड कप में पहनेगा। बिकॉज हमने देखा है कि किट जो होती है वो हमेशा एक टॉकिंग पॉइंट रहता है। तमाम लोगों को इंतजार होता है कि हर टीम अपनी अपनी नई किट कैसी लेकर आती है, किस तरह की नई किट आती है। हमें एज अ पाकिस्तानी फैन, हम भी बड़ा वेट कर रहे होते हैं यार कि पाकिस्तान की नई किट कैसी होगी। लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने किट चेंज की थी, हमेशा वर्ल्ड कप या बड़े इवेंट में ही पाकिस्तान अपनी किट चेंज करता है। तो इस साल भी वर्ल्ड कप जो 2023 का इंडिया में होना है, उस वर्ल्ड कप में हमें पाकिस्तान की एक नई किट देखने को मिलेगी, नई किट लॉन्च की जाएगी और पाकिस्तानी शाहीन, पाकिस्तानी प्लेयर्स उस नई किट को पहनकर इंडिया जाएंगे। अब देखते हैं कि वो किट कैसी होती है, बिकॉज डिफरेंट तरह के जो डिजाइन्स हैं या फिर जो किट्स हैं वो सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन कोई भी चीज अभी कंफर्म नहीं है। कोई एक किट अभी कंफर्म नहीं की गई, वो हमें बाद में पता चलेगा कि कौन सी वो किट होगी जो पाकिस्तान टीम पहनेगी वर्ल्ड कप में। लेकिन ये चीज अब कंफर्म कर दी गई है कि पाकिस्तान की न्यू किट वर्ल्ड कप में ही आएगी, उससे पहले एशिया कप में पाकिस्तान अपनी पुरानी किट के साथ ही जाएगा। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया को यार एक बड़ा ब्लो हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के दो बड़े नाम जिनमें मिचेल स्टार्क और स्टीव स्मिथ, ये दो ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े नाम हैं, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया की बैकबोन हैं, ये अब इंजर्ड हो चुके हैं और इंजरी की वजह से अब साउथ अफ्रीका का जो इनका टूर है उससे ये बाहर हो चुके हैं, उस टीम से ये बाहर हो चुके हैं। पहले इनको उस टीम में रखा गया था लेकिन अब इनकी रिप्लेसमेंट ले ली गई है और इन दोनों की इंजरी की वजह से इन दोनों को रेस्ट दिया गया और अब ये इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। तो बड़ा दचका यार ऑस्ट्रेलिया को, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बताया ये बैकबोन है दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और अगर ये इंजरी इनकी सही नहीं होती और वर्ल्ड कप में भी ये नहीं जाते तो फिर इनके लिए बहुत बड़ा दचका होगा, ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ दी फेवरेट टीम हम करार दे रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, और अगर ये दोनों खिलाड़ी नहीं होते तो फिर उनकी जो टीम है वो आधी रह जाएगी मेरे ख्याल से। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट हुई है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये दोनों खिलाड़ी सीरीज में नहीं जा रहे और ये दोनों इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन कहा यही जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये खिलाड़ी रिकवर कर लेंगे और इंडिया की जो सीरीज है इन्होंने खेलनी है वर्ल्ड कप से पहले 3 मैचेस खेलने हैं, वहां पर ये टीम को ज्वाइन कर लेंगे। अब इनकी रिप्लेसमेंट क्या ली है वो भी आपको बता देते हैं।
वनडे सीरीज के लिए स्टीव स्मिथ की जगह इन्होंने मानस लभूषण को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। मानस लभूषण अनफॉर्चुनेट रहे थे कि उनको जो इनिशियल स्क्वाड इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया था 18 मेंबर स्क्वाड, उसमें वो हिस्सा नहीं थे। अब स्टीव स्मिथ के ना होने की वजह से उनको टीम में शामिल कर लिया गया है और स्टार्क की जगह, मिचेल स्टार्क की जगह जो इनके नए उभरते हुए फास्ट बॉलर हैं स्पेंसर जॉनसन, उनको टीम में शामिल कर लिया गया है। T20 सीरीज भी है, T20 में स्पेंसर जॉनसन पहले से ही मौजूद थे और स्टीव स्मिथ थे, लेकिन उनकी जगह T20 में इन्होंने एस्टन टर्नर को रख लिया है। ये बिग न्यूज है जो ऑस्ट्रेलिया की सामने आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के दोनों खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी, इस सीरीज का हिस्सा नहीं है बिकॉज ऑफ देयर इंजरीज।